औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेसिक पे स्केल्स, जिनको बीपीएस भी कहा जाता है, जो कि गवर्नमेंट में फॉलो किए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू दी स्केल्स बीपीएस 1 से लेके 22 तक के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी हम सैलरी किस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल बीपीएस 1 से बीपीएस 22 तक किसी भी ग्रेड में अपॉइंट होता है, तो उसकी इनिशियल सैलरी क्या होगी। तो व्यूअर्स, अगर आप इस प्रोसेस को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड की जाती हैं। और इसके साथ साथ बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है, ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली आ सके। व्यूअर्स, अभी जो पे स्केल फॉलो किए जा रहे हैं, वो पे स्केल 2017 के हैं। इसी पे स्केल चार्ट को हम यूज करते हैं, सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। ये चार्ट आपको गूगल से इजीली मिल भी सकते हैं, और अगर आप इस चार्ट को हासिल करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर चैनल पे आप मुझे सिंपली व्हाट्सएप करेंगे, मैं चार्ट भी आपको सेंड कर दूंगा। तो आज की स्टूडियो में हम बीपीएस 15 की सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। तमाम बीपीएस की सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए तरीकाकार होगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम बेसिक पे यहाँ पे लिखेंगे। तो बिकॉज इस चार्ट में हमने बीपीएस 15 पे चले जाना है, यहाँ पे बीपीएस लिखेंगे, इसके साथ मिनिमम पे है, देन एनुअल इंक्रीमेंट है, देन मैक्सिमम पे, और ये तमाम स्टेजेस यहाँ पे दी गई हैं हर पे स्केल की। अभी वो जो बीपीएस लिखा गया, इसको हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, और हमने बीपीएस 15 पे चले जाना है। बीपीएस 15 में हम जब जाएंगे, तो यहाँ पे मिनिमम पे वाले कॉलम में हमने आना है, और यहाँ पे अब आपको दो अमाउंट नजर आएंगे, 13,510 है, जबकि दूसरी 16,120 रुपए है। 2017 में जब ये स्केल रिवाइज हुए, तो 16,120 हो गई। तो अभी हमने यहाँ पे, क्योंकि 2017 के पे स्केल चार्ट को फॉलो करना है, तो जो बेसिक पे होगी बीपीएस 15 की, वो 16,120 रुपए। यहाँ पे हम बेसिक पे 16,120 रुपए लिख लेंगे। इसके बाद कन्वेंस अमाउंट आ जाते हैं, इसी चार्ट पे हमने दोबारा चले जाना है, इसी पे स्केल चार्ट को हमने स्क्रॉल डाउन कर लेना है, और यहाँ पे इसी चार्ट में हमें ये कन्वेंस अलाउंस के रेट्स प्रोवाइड कर दिए गए। यहाँ पे हर बीपीएस का कन्वेंस अलाउंस लिखा गया, जो 11 से 15 का कन्वेंस अलाउंस का रेट है वो 2856 रुपए है। तो हम यहाँ पे कन्वेंस अलाउंस के सामने 2856 रुपए लिख लेते हैं। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस है, इसी तरह इसी चार्ट में हाउस रेंट अलाउंस भी प्रोवाइड किया गया। बीपीएस 15 का जो हाउस रेंट अलाउंस है वो 3,524 रुपए है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद मेडिकल अलाउंस है, तो वंस अगेन हम चार्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे जो मेडिकल अलाउंस का हमें रेट प्रोवाइड किया गया, वो बीपीएस 1 से 15 का 1500 रुपए है। इसके बाद एडहॉक रिलीफ 2016, जिसका रेट 10% था, जो कि फ्रीज कर दिया गया था, तो इसी चार्ट में हम जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मिनिमम वाला कॉलम है, यहाँ पे दो अमाउंट है, जो ऊपर वाली अमाउंट है, ये जो पे स्केल 2016 में फॉलो किए जा रहे थे, उनकी अमाउंट को लिखा गया। तो उस टाइम 2016 में जो बीपीएस 15 की बेसिक पे थी, वो 13,510 रुपए थी। तो इट मींस कि 13,510 का 10% जो होगा, वो 1,351 रुपए है, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2017 का जो एडहॉक अलाउंस है, वो बेसिक पे का 10% है, और हमारी बेसिक पे यहाँ पे 16,120 रुपए है, तो इसका 10% 1,612 रुपए आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला, यानी कि जितनी भी आपकी बेसिक पे, आपको उसका 10% ले लेना है। इसके बाद व्यूअर्स, 2018 का जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस है, वो भी बेसिक पे का 10% है, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2019 के एडहॉक रिलीफ अलाउंस का रेट भी सेम है, इसको भी हम लिख लेंगे। यहाँ पर आपको एक बात बताऊंगी, जो 2019 का एडहॉक रिलीफ अलाउंस है, इसका रेट बीपीएस 1 से लेके 16 तक 10%, जबकि बीपीएस 17 से परसेंट था, और 21 और 22 को ये अलाउंस प्रोवाइड नहीं किया गया था। तो अगर तो आप सैलरी कैलकुलेशन बीपीएस 17 से लेके 20 तक किसी बीपीएस की कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे 5% के हिसाब से अमाउंट लेनी है, 10% से नहीं लेनी। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, एडहॉक रिलीफ 2021 जो कि इस साल प्रोवाइड किए गए, इसका रेट भी 10% ही है, तो 1,612 रुपए हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि जो बीपीएस 15 के अलाउंसेज हैं, इनका टोटल 31,799 रुपए आ रहा है। डिडक्शन वाली साइड पे चले जाते हैं, जो व्यूअर्स परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी सैलरी से जीपी फंड, ग्रुप इंश्योरेंस और ब्रोनर फंड की मद में कुछ अमाउंट डिडक्ट की जाती है। सबसे पहले हम आ जाते हैं जीपी फंड में। तो यहाँ व्यूअर्स, बीपीएस 15 का जो जीपी फंड है, उसका रेट 2,890 रुपए है। ये रेट आपको गूगल से या फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट से इजिली मिल जाएंगे, आप इनको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस की डिडक्शन है,
ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि जो ग्रेड एक से लेकर 15 तक के एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी में से ग्रुप इंश्योरेंस की डिडक्शन नहीं की जाती, बल्कि ये इन एम्प्लॉयज के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से ये अमाउंट प्रोवाइड की जाती है। तो जो 17 एंड अबव के एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी में से ग्रुप इंश्योरेंस की अमाउंट को डिडक्ट किया जाता है, और इसके हवाले से भी चार्ट मौजूद है, वहां से आप देख के इजीली ये अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट डिडक्शन ब्रॉडवे फंड है, तो इसी तरह ब्रॉडवे फंड का जो चार्ट है ये भी आपको इजीली गूगल से मिल जाएगा। यहाँ पे जो बीपीएस 15 के ब्रॉडवे फंड का रेट है वो 384 रुपए, उसको भी मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ। अगर हम टोटल डिडक्शन की बात करें तो बीपीएस 15 की इंप्लाइज की सैलरी में से 3274 रुपए डिडक्ट किए जाएंगे। नेट पे की अगर हम बात करें तो 28525 रुपए जो बीपीएस 15 में इंप्लाई इनिशियली अपॉइंट होगा उसकी सैलरी होगी। अब अगर कोई इंप्लाई ऐसे डिपार्टमेंट में अपॉइंट होता है जहां पे कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस भी दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि जो भी अलाउंस एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है उसकी कैलकुलेशन जो होती है वो आपकी बेसिक पे से होती है। तो सिंपली आपने अपनी बेसिक पे ले लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100% प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो 16120 ही होगा, या अगर आपकी बेसिक पे अगर 20% 10% या जितनी भी परसेंटेज है उसके हिसाब से आपने उन अलाउंसेस को कैलकुलेट कर लेना है। तो इस तरह से आप उस डिपार्टमेंट की पे भी इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। जी तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आप 2017 के पे स्केल चार्ट को यूज करते हुए बीपीएस 1 से बीपीएस 22 तक किसी भी पे स्केल की सैलरी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये तमाम प्रोसीजर आपको समझ आ चुका होगा। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ आपने बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ सके। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।